Hello everyone, welcome to another video. Today our topic is building a powerful marketing plan. My name is Amir. आज हम identify करेंगे और understand करेंगे किस तरीके से एक marketing plan को powerful बनाया जा सकता है. अगर हम किसी भी plan के बारे में बात करें और वो marketing से related है, तो guerrilla marketing strategy एक बहुत ही बेहतरीन strategy है इसको implement करने के लिए. गुरीला मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है जो आप अपनी एक टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हो. अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपने कस्टमर की नीड्स एंड बॉन्ड को देखना है. आपको कंपेरेटिव एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं दूसरी फर्म से, वो आपने एनालाइज करते हुए एक मार्केटिंग मिक्स को क्रिएट करना है अपने कस्टमर के लिए और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट या उसकी ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए मार्केट में लेकर आना है. वो आप किस तरीके से करेंगे वो आप पे इंडिविजुअली बेस कर रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें. आपको नीड्स एंड वांट उनकी समझनी है, किस तरीके की नीड्स एंड वांट वो चाह रहे हैं, किस तरीके से मैं प्रमोट कर सकता हूँ और अपने मार्केटिंग मिक्स को क्रिएट करेंगे. ये कहलाती है गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रमोशन. जब आप ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केटिंग रिसर्च पर आएंगे, मार्केटिंग रिसर्च से मुराद ये है कि आप अपने एक मार्केटिंग प्लान बनाते हो कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, डेटा किस तरीके से कलेक्ट होगा, एनालाइज किस तरह से करना है, इंटरप्रेट किस तरह होगा, कस्टमर को मार्केटिंग से रिलेटेड किस तरीके से आपने उसको चलना है. ये प्रॉपर एक चेन है जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है. हाँ, ये आ चुकी है हाउ टू कंडक्ट अ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च की बात की जाए तो हमारे पास चार तरीके कार हैं कि जिनकी बेसिस पे हम मार्केटिंग रिसर्च को कलेक्ट करते हैं. सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, डेटा कलेक्ट करना है, किस तरीके का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं. थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, वो हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करना है अपने डेटा को कि हमारे क्या हमने कलेक्ट किया है और किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है. और लास्ट में हमें कॉन्क्लूजन बताना है कि हमारा कॉन्क्लूजन क्या है, हत्ता कि हम कहाँ तक के पहुँच चुके हैं. ये चार चीज़ों पे बेस कर रहा है मार्केटिंग रिसर्च. अब बात कर रहे हैं हम प्राइमरी रिसर्च की और सेकेंडरी रिसर्च. ये पहले हमने बात की थी किस तरीके से होगी रिसर्च, अब हम बात करेंगे कौन कौन से तरीके हैं रिसर्च के. प्राइमरी रिसर्च है और दूसरा है ये सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं. हम एज अ क्वेश्चनर फीडबैक अपना ले सकते हैं कि क्वेश्चनर सर्वे फॉर्म फिल करवा लें अपने कस्टमर से, फोकस ग्रुप ले लें, किसी और कोई तरीका इस तरीके से निकालें एज अ फीडबैक के तौर पे हम उनसे डेटा कलेक्ट कर सकें. ये है फर्स्ट हैंड डेटा है. ये डेटा वो डेटा होता है जो पहले यूज़ नहीं होता. आप फर्स्ट टाइम किसी एज अ कस्टमर या कोई भी रिसर्चर आप कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहलाता है प्राइमरी डेटा. नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा से मुराद है सेकेंड हैंड डेटा जो पहले से ही कलेक्ट हो चुका था. आप उसको कॉपी करके अपनी रिसर्च में एड ऑन करके आप उससे फर्दर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, तो ये कहलाता है सेकेंडरी रिसर्च. सेकेंडरी रिसर्च में आ जाता है आप किसी मार्केटिंग रिसर्च का डेटा कलेक्ट कर लें, किसी आर्टिकल से ले लें, पहले से कोई बिजनेस वो पहले से कुछ रिसर्चेस हुई होती है बिजनेस से रिलेटेड, आप वो डाटा कलेक्ट कर लें, डेमोग्राफिकली डाटा कलेक्ट कर लें. वो डाटा जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया हुआ था और आप उस रिसर्च में यूज करते हैं तो वो कहलाएगा सेकेंडरी रिसर्च. सेकेंडरी रिसर्च के बाद आता है इंडिविजुअलाइज मार्केटिंग. इंडिविजुअलाइज मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप वन ऑन वन अपनी मार्केटिंग करते हैं इंडिविजुअली एज अ कस्टमर को और डिवेल्प करते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम को, किस तरीके का मार्केटिंग प्रोग्राम है उनकी नीड्स और वांट्स के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, आप उनसे जैसे फॉर एग्जांपल वो एज अ पे करने आते हैं तो आप कुछ अपना उस कस्टमर से आप बात करके उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको सर किस तरीके. फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉफ़ी शॉप पे आया हुआ है, कॉफ़ी पीने के बाद वो अपनी अमाउंट देने जा रहा है, पे करने जा रहा है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर आपको हमारी कॉफ़ी में कुछ, आपको हमारे कैफ़े में किस तरीके लगा. बहुत गुड वर्ड ऑफ माउथ में आप उनसे अपनी नीड्स एंड वांट्स को समझ सकते हैं उनकी और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या
हमारे पास कुछ इश्यूज जो आ रहे हैं जो एक कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत इजीली कलेक्ट किया जा सकता है वन टू वन डाटा। ये बेस करता है डेमोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, साइकोग्राफिकली, ये तीनों तरीके से वो बेस कर रहा होगा। अब बात आ रही थी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर से इंगेज होते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई डेली आ रहा है, आप उससे हाल चाल पूछ लेंगे या कुछ भी आप कर करा के उनसे अपना एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनको अपने साथ, ये आ जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। और इससे आपको बेनिफिट ये लगता है, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर को कि उनकी नीड्स एंड बॉन्ड क्या है और वो किस तरीके की चीज़ चाह रहे हैं, और आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग प्रिंसिपल की। गुरिल्ला मार्केटिंग प्रिंसिपल से मुराद ये है कि आप किस तरीके से उसके टैक्टिक्स को यूज करते हुए आप गुरिल्ला मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ब्लॉग बना सकते हैं, आप अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी तरीके से फोकस ऑन कस्टमर बेसिस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ये सारे वेज हैं जो गुरिल्ला मार्केटिंग के प्रिंसिपल हैं, जिनकी बेसिस पे आप गुरिल्ला मार्केटिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए एज अ क्वालिटी बेस कर सकते हैं, फोकस ऑन कस्टमर कर सकते हैं, स्टार्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्रिएटिंग आइडेंटिफाई द ब्रांडिंग, उनको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं आपकी ब्रांड क्या है, और कोई भी इनोवेशन आप लेकर आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, अपनी मार्केटिंग फील्ड में। फॉर एग्जांपल, ये भी कह सकते हैं कि नीश मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर लें, किसी भी तरीके से आप उसको गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी और बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज ये पहले से ही करें। अगर आप ये हम बात कर रहे हैं टैक्टिक्स की, गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जो टैक्टिक्स हैं उनमें ये है कि आप किसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपकी कोई कॉफ़ी शॉप है, जैसे मैंने आपको बात की, आप किसी भी तरीके से जो आपके हैं आप अवेयरनेस दिलवा सकते हैं अपनी अपनी कॉफ़ी शॉप के बारे में। आप कुछ गिफ्ट वगैरह या सर्टिफिकेशन वगैरह लेकर आ सकते हैं ताकि ऑडियंस को आप अपने पे इंगेज रखें। आप उनको न्यूज़लेटर बनवा सकते हैं, कोई ब्लॉग लिखवा सकते हैं अपने ही कॉफ़ी शॉप से रिलेटेड, ताकि लोगों को इंगेज कर सकें। आप अपने कस्टमर्स को रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड देने से बेस से मुराद ये है कि आप अपने, अगर आप लोगों की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनको ये कह सकते हैं एज अ फीडबैक के तौर पर, अगर आप हमारा फीडबैक फिलअप करते हैं तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड में देंगे। आप किसी भी तरीके से ऑडियंस को अपने इंगेज करके रखना गुरिल्ला मार्केटिंग टेक्टिक्स में आ जाता है, और ये बहुत सारी तरीके का रहे हैं जो कंपनीज यूज भी करती हैं, इनको यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। काइंडली आप सीख लो यार के पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप काइंडली हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।